नीतीश कुमार हैं बिहार में बहार है, ये 2015 में नारा आया था। लेकिन इससे पहले का एक नारा है कि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं और नीतीश कुमार ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। सुशासन और प्रशासन दोनों नीतीश कुमार बहुत बेहतर ढंग से चलाते हैं। इन सारी बातों पर अब विराम लग गया है। रितु जायसवाल ने जिस तरह से हुंकार लगाया है पूर्वी चंपारण में, उसको लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार हिल गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब इस हुंकार ने डरा दिया है। आपको बता दें कि रितु जायसवाल अब सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता के रूप में जानी जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें कमान दिया है और तेजस्वी यादव की शेरनी के रूप में वो लोगों के नज़र में देखी जाती हैं। पहले भी रितु जायसवाल जम करके, जब वो मुखिया हुआ करती थी तब भी वो जम करके अपनी बातें रखती थी, लेकिन इन सारी बातों के बीच जो सामने आ रहा है बात, उसको लेकर के एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं रितु जायसवाल जिस तरीके से अब अपनी बातों को रख रही हैं और जिस मुखरता के साथ वो पार्टी का कमान संभाल रही हैं, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। मामला है पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि थाना अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष पवन जायसवाल के हत्या का। पवन गुप्ता की अपराधियों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद ये मामला पूरी तरह से गंभीरता के साथ सामने आया था। इन सारी बातों को लेकर के पवन जायसवाल का या पवन गुप्ता जो हैं उनका संबंध आरजेडी से भी रहा है। अब ऐसी बातों को लेकर के आरजेडी ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई जिसके प्रमुख रितु जायसवाल थी। रितु जायसवाल जैसे ही वहाँ पहुँची, माहौल एकदम गमगीन हो गया और उन्होंने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। आपको बता रहे हैं कि रितु जायसवाल वहाँ पहुँची और मृतक के परिजनों से मुलाकात किया, शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उस परिवार को हर तरह से साथ और सहयोग देने का भरोसा दिलाया। वहीं वो सीधे तौर पर सरकार और नीतीश कुमार पर हमला करती नज़र आईं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का वो क्षेत्र रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ से बढ़त बनाती रही है और चुनावी दृष्टि से देखा जाए, लोकतंत्र के नज़रिए से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है। अब ऐसी स्थिति में रितु जायसवाल के प्रवेश से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खलबली मच गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के सुशासन पर ही सवाल खड़े कर रही है, वहीं अब विपक्ष भी पूरी तरह से नीतीश कुमार के नीति और नियमों को लेकर के, उनके सुशासन को लेकर के सवाल खड़े करने लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रितु जायसवाल ने न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजद और राजद परिवार, खुद रितु जायसवाल भी इस पूरे मामले के साथ अब जुड़ गई हैं और हर स्थिति में न्याय दिलाने का वो प्रयास करेंगी और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो चुप नहीं रहेंगी। देखिए तस्वीरों में बहुत कुछ साफ हो रहा है और ये स्पष्ट है कि अब आर पार के मूड में तेजस्वी यादव आ गए हैं और तेजस्वी यादव की ये शेरनी कहीं ना कहीं अब पूरे मामले का कमान अपने हाथ में ले करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं, लगातार खबरें चल रही है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।